आपको अंदर लेकर चलते हैं। कहाँ से आए अभी आप? आगरा से। अच्छा, अभी ये एक ही बना है? ये नहीं, तीन बना चुके हैं, वो पानी से वैसे ढके हुए हैं। अच्छा, ढके हुए हैं। ये क्या है? ये वो रावण है ना? नहीं जी, रावण नहीं है, ये दूसरा कुंभकर्ण का फेस है। रावण का फेस ढका हुआ है। अच्छा अच्छा, ये कुंभकर्ण। बारिश हो रही थी ना काफी, तीन दिन से। हाँ हाँ हाँ, फिर बारिश से बचाने के लिए क्या करते हो आप लोग? बारिश से बचाने के लिए इसको ढक्का रखना पड़ता है, क्योंकि पेंट करते हैं ना, इस पर पक्का पेंट किया जाता है। डेकोरेट को पूरा कर सकते तो खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कितना ही खर्चा आ जाता होगा, आपको आइडिया है? खर्चा वो लंबाई के हिसाब से, लंबाई पर डिपेंड करता है, कमेटी कितना लंबा लेना चाहती है और क्या क्या क्वालिटी उसके साथ लेना चाहती है। फिर भी कुछ आइडिया हो, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? हाँ, ये यहाँ का हमारा जो ऑर्डर है वो 2 लाख रुपये का है। अच्छा जी, पूरा तीनों बनाने का? हाँ जी, हाँ जी, पूरा तीनों बनाने का। और कितने एक दिन लग जाते हैं फिर भी इसमें? यहाँ पर हमको आए हुए एक महीना हो गया। अच्छा, एक महीने से बना रहे हो? पूरे शहर में बना रहे हैं ना पानीपत में? हाँ हाँ हाँ, 13-17 सेक्टर में बनता है और 25 सेक्टर में भी। सेक्टर सब में आप ही बनाते हो? सब में ही बना रहा हूँ, ये पता मॉडल टाउन। अच्छा हाँ, वहाँ पे भी होता है। ठीक ठीक ठीक, सही है। तो फिर यहीं पे रहना, यहीं पे खाना? हाँ, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर। और हमारी पूरी 30 बंदों की टीम है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये 2 लाख जो रुपये आपने बताए, वो यहाँ यहाँ के हैं या वो मॉडल? अच्छा, और बाकी जगह के अलग अलग हैं? और बाकी जगह का भी ये ठेका आपने ही ले रखा है? जी वो। हाँ। अच्छा, सारी जगह सेम ही क्वालिटी है और सेम ही लंबाई है। हाँ, हाँ, हाँ। सेम है मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। लंबाई रावण की 65 फीट। 65 फीट और कुंभकर्ण में ना 60 फीट। अच्छा, दोनों की 60-60। और ये बॉम्ब पटाखे वगैरह जो लगते हैं वो कितने तक के लग जाते हैं? वो कमेटी ही लगाती है, हमारा ऑर्डर केवल रावण बनाने का है। अच्छा, कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना लगवाना चाहती है। और ये टांगों की लंबाई कितनी है? ये टांगों की लंबाई इसकी 12 फीट है। अच्छा जी, तीनों की 12 फीट है? हाँ, तीनों की 12 फीट। रावण की जो जूतियाँ बनाई गई हैं वो स्पेशल नागरा जूती बनाई गई है, पंजाबी जूती। वाओ, मेहरबानी होगी। सो गाइस, ये देखो जूते, देखो रावण के। वाओ, एक सेकंड में सारा जल जाता है। तो रिमोट का इस्तेमाल करते हैं ना जी? इसको जलाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करते हैं जी? वो कमेटी पर डिपेंड करता है, यहाँ पर तो रिमोट से नहीं है। अच्छा, यहाँ पर राम आग लगाएंगे इसमें। अच्छा, और ये सब क्या चीज है? ये रावण की हाथ की डाल है। अच्छा जी, और ये रावण की उसकी सर की छतरी है। ठीक, और ये चीज, ये क्या है? ये रावण का फेस है, दूसरी जगह का तैयार किया जा रहा है। और भैया, कहाँ कहाँ पे तैयार हुआ पड़ा है ये रावण? ये हमारा रावण अपना ये 13-17 में रेडी तैयार हुआ है, और अपना 25 सेक्टर में, और अपना ये सनातन धर्म मॉडल टाउन में। ठीक भैया, आप आपका नाम बता दो, नाम पूछना भूल गई मैं जी। मेरा नाम इमरान फारूकी है। अच्छा अच्छा, वैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपना इस शॉप के लिए करते हैं। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा, ये पानीपत हरियाणा श्री देवी मंदिर ग्राउंड का ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला तैयार किया जा रहा है। अभी एक और वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें रावण का जो धर है और कुंभकर्ण और मेघनाथ का वो धर है वो दिखाई देगा आपको, जिसमें कि ये जो सिर है उसका वो ज्वाइंट किया जाएगा। अभी आधा काम हुआ है, आधा पेंडिंग है, और कई जगहों पर 13-17 सेक्टर में जो है तैयार किया गया है, पूरी की पूरी तरह से उसमें पेंटिंग भी हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। और बहुत ही गजब के कलाकार हैं ये, जिनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, और इन्होंने खुद भी अपना नाम बताया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद भी इनका ये पैशन है, और बहुत ही शिद्दत और लगन के साथ जो है ये कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए जरा, पूरा परिवार जो है मिलकर इस पुतले को बनाता है हर साल, और 1990 के दशक से जो है ये बनाते आ रहे हैं और अपनी शिद्दत और लगन जो है दिखाते आ रहे हैं। गजब की कलाकारी देखने को मिल रही है। और इस बार 2022 का जो रावण का पुतला है वो काफ़ी खास बनाया जा रहा है। जूतियाँ, उसके पैर, उसके धोती, उसके जैकेट, सब कुछ जो है
बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। दशहरे वाले दिन यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ने वाली है, जो कि मैं लाइव आने वाली हूँ दशहरे वाले दिन 5 अक्टूबर को। और आपको बता दें कि ये पानीपत श्री देवी मंदिर का बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर हनुमान रामलीला सब कुछ चलता है, हनुमान जी भी आएंगे 5 अक्टूबर दशहरे वाले दिन। और इतना ही नहीं, यहाँ पे 2 दिन बाद जो है रामलीला भी शुरू हो जाएगा और यहाँ पे नवरात्रों की भीड़ भी आपको जो है 1 से 2 दिन में देखने को मिलने वाली है। तो ये जो आप घर देख रहे हो रावण का, ये थोड़ा सा बारिश के अंदर जो है भीग चुका है और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का घर जो है बन चुका है। थोड़ी सी और फिनिशिंग दी जाएगी इसमें, क्योंकि बारिश की वजह से जो है कागज वागज गीले हो गए हैं और अंदर तो नहीं ले जाया जा सकता है, इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो सिर है, शीश है रावण का, मेघनाथ कुंभकर्ण का, वो अंदर रखा गया हुआ है और मजदूर अभी लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हो बांस का इस्तेमाल किया गया है, अंदर की साइड कुछ कागज हैं, कुछ और भी मटेरियल हैं और इसके अंदर जो है बॉम्ब पटाखे भी लगाए जाएंगे। और दशहरे पर जो है रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले आपको दिखाई देंगे और इस बार जो है कुछ खास होगा, सिर के पीछे की साइड जो है चक्र भी लगाया जाएगा और ऐसा प्रतीत होगा इन तीनों पुतलों को देखकर, खासतौर पर रावण का पुतला देखकर कि जीवित है रावण और उसको हम जला रहे हैं, इस प्रकार से जो है प्रतीत होगा, बिल्कुल जीता जागता रावण जो है आप सभी को इस दशहरे पर दिखाई देगा पानीपत हरियाणा के अंदर श्री देवी मंदिर के अंदर। और 13-17 सेक्टर, मॉडल टाउन, 25 सेक्टर, इन सभी जगहों जो है पानीपत हरियाणा के अंदर जो है लाइव रावण जलाए जाते हैं। तो मैं लाइव आने वाली हूँ 5 अक्टूबर को, तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी आपके विचार हैं इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिल्पकार को लेकर जरूर अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिएगा कि एक मुसलमान होने के बावजूद भी, मुसलमान समुदाय से जुड़ होने के बावजूद भी, वो इतने अच्छे से मेहनत से शिद्दत के साथ जो है अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सल्यूट है हमारी तरफ से इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर इमरान फारूकी का और साथ ही इनके परिवार को भी हमारी तरफ से सल्यूट है, जो इतनी मेहनत और लगन के साथ रावण के पुतले हर साल तैयार करते आ रहे हैं। पुश्तैनी काम है इनका दोस्तों और 1990 के टाइम से जो है ये सब कुछ करते आ रहे हैं इस प्रकार से। और इस बार जो है 2022 में बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत की है इन लोगों ने, 1 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर इमरान फारूकी, जिनकी कारीगरी आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जरूर कमेंट करना कैसी लगी इनकी कारीगरी और पूरा रावण का पुतला जो है बहुत जल्द तैयार हो जाएगा, जो कि मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी।